आशी, क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? अगर आप ये सोच रही हैं कि फरी सच कह रही थी, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही। अगर फरी सच नहीं बोल रही होती तो क्यों आती हमारे यहाँ? उसे पता चल गया था कि आज मेरी शादी है, तभी वो अपने भाई की मोहब्बत में दौड़ी चली आई कि किसी तरह भी अपने भाई की बेगुनाही साबित करके यकीन दिला के मुझे बचा ले इस शादी से, किसी और का होने से बचा ले। लेकिन ये तो तुम्हारा अंदाजा है ना? सुना नहीं आपने, कल से वो घर नहीं आए। से क्या पता मुझ पे क्या बीत रही है। फरी झूठ नहीं बोल सकती। भाई की मोहब्बत में उसके जुर्म की स्याही को अपने झूठ से तो उजालेगी। मत उलझे इन बातों में। अगर मोमिन सच्चा है तो उसके हिस्से में सजा नहीं आनी चाहिए। लगता है आप तो फरी की बातों को सच मान ही चुकी है। गुमान तो तुम्हें भी है, बस मान नहीं रही। सब कुछ मिट्टी में मिल चुका है, मान भी और गुमान भी। मैं आपा के पास जाती हूँ, उनसे पूछूंगी, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। पापा को पता चल गया तो आपको पता नहीं वो क्या करेंगे? अगर पूछें तो कह देना पड़ोस में गई। हम दिया जला बैठे तेरी चाहत का मंतजर दिल। जिंदगी में कभी मेरी बेगुनाही साबित हो गई तो इस बात का यकीन कर लेना कि मोमिन तुम्हारे सिवा किसी और का हो ही नहीं सकता। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे, दिले मोमिन का ये कासा भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम।